हेलो बच्चों, वेलकम टू नेक्स्ट सेशन ऑफ टॉप 100 जेई एडवांस्ड पीवाईक्यूज। तो आज हम लोग करने वाले हैं फ्लूइड डायनेमिक्स एंड स्टैटिक्स। तो चलिए स्टार्ट करते हैं, आप लोग भी मेरे साथ अटेम्प्ट कर सकते हैं। अगर आपको नहीं बन रहा है तो यू कैन सी द सॉल्यूशन, अदरवाइज आई रिकमेंड कि आप लोग खुद से एक बार अटेम्प्ट जरूर करें। तो चलिए, आज का पहला सवाल है और ये आया था एडवांस 2023 में, लास्ट ईयर का ही सवाल है। An incompressible liquid is kept in a container having a weightless piston with a hole. A capillary tube of inner radius 0.1 mm is dipped vertically into the liquid through the airtight piston hole, as shown in the figure. तो भाई ये कोई पिस्टन है, पिस्टन है, इसमें होल था यहाँ पे, उस होल से इस कैपिलरी को इंस्टॉल किया गया है। अंदर भी एयर है, बाहर भी एयर है, ठीक है। नाउ The air in the container is isothermally compressed from its original volume V naught to 100 divided by 101 V naught with the movable piston। मतलब इस पिस्टन को दबा के, ठीक है, वॉल्यूम को क्या कर दिया गया है, कम कर दिया गया है, ठीक है। The considering air as an ideal gas, height of liquid column, ये height हमें पूछी जा रही है। देखिए आपको यहां पर मैं दिखा देता हूं, यहां से यहां तक की height जो कि H दी गई हुई है, ये पूछी गई है। और दैट इज द क्वेश्चन, क्या क्या दिया गया है, सरफेस टेंशन दिया गया है, एटमॉस्फेरिक प्रेशर दिया गया है, एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी इज गिवन, डेंसिटी ऑफ लिक्विड इज गिवन, एंड एंगल कॉन्टैक्ट एंगल, और आई कैन से एंगल ऑफ कॉन्टैक्ट इज गिवन, ठीक है, जो कि कितना है, जीरो। चलिए तो अब इस क्वेश्चन को अटेम्प्ट करते हैं गाइज। क्या क्या हम समझ सकते हैं देखिए इस क्वेश्चन में। सबसे पहले मैं जो कंटेनर है इसके अंदर ये जो कैपिलरी है, यहां तक लिक्विड है मान लेते हैं, तो इधर इधर जो गैस है या आई कैन से एयर है, इसका फाइनल प्रेशर निकाल लेते हैं। सिंस आइसोथर्मली हमने कंप्रेस किया है तो पी फाइनल V final is equal to P initial V initial, okay? तो initial pressure कितना था, क्योंकि initially जब हमने इसको install किया था उसके पहले यहाँ पे P naught था, तो initially the pressure was maintained at P naught, that is atmospheric pressure। तो P final हम लोग लिख सकते हैं P initial that is P naught, V initial that is V naught divided by V final that is 100 divided by 101 V naught, so this will be 101 P naught by 100, fine, so this is the final pressure inside। Now अब इधर जो प्रेशर होगा guys, और इस कैपिलरी में मान लेते हैं यहां तक लिक्विड है, रेस किया हुआ है, ये पूरा हाइट है h, आउटसाइड प्रेशर विल बी P naught ओपन टू एटमोस्फेयर। यहां पे देख रहे हैं आप कैपिलरी राइज की वजह से जस्ट इन साइड लेट से प्रेशर इज पी वन एंड अंदर इज लेट से पी फाइनल। तो क्या लिख सकते हैं हम लोग, लिख सकते हैं कैपिलरी के अंदर अगर ये पी नॉट है, ये पी वन है, और प्री सरफेस से ये हाइट अगर आपकी एच वन है, तो हम जो यहां बाहर प्रेशर है वही अंदर प्रेशर मान सकते हैं P final, तो अंदर भी यहां पे क्या हो जाएगा P final, so we can write P1 plus rho g h, I should not write h1, it is h, rho g h is equal to P final, okay, but अब ये P1 कैसे मिलेगा, so यहां पे हम लगा सकते हैं surface tension की condition, P0 minus P1 is equal to 2T by R, okay, so From here we'll get what P1। तो P1 क्या मिल जाएगा, P1 हमें मिल जाएगा, P1 will be equal to P0 minus 2T by R। ओके, यहां डाल देंगे P0 minus 2T by R plus rho g h is equal to P final that is 101 P0 by 100। ओके, सो इसको हमें सॉल्व करना है एंड इसको सॉल्व करके हमें H मिल जाएगा। नाउ एक R की जो कंडीशन है वो हम चेक कर लेते हैं फटाफट, R कैसे मिलेगा। तो जैसा कि दिया गया है ये कैपिलरी है और कैपिलरी में जो
लिक्विड राइज हुआ है उसका एंगल ऑफ कॉन्टैक्ट, जैसे हम जानते हैं एंगल ऑफ कॉन्टैक्ट क्या होता है, ये अंदर वाला एंगल, अगर ये एंगल आपको जीरो दिया हुआ है दैट मीन्स इट विल बी फॉर्मिंग अ परफेक्ट हेमिस्फेयर, ठीक है, ये परफेक्ट हेमिस्फेयर बना रहा होगा। तो जो रेडियस आपकी ट्यूब की रेडियस होगी, लेट से दिस इज आर, वही रेडियस इस कर्वेचर की भी रेडियस होगी। ओके, सो ये आर तो हमें ऑलरेडी दिया हुआ है, आर हैज बिन गिवन, आर कितना दिया हुआ है हमें 0.1 mm, ठीक है, तो ये आर 0.1 mm हमें दिया हुआ है, तो यही हमारा क्या हो जाएगा, कैपिटल आर एज पर व्हाट वी हैव रिटन। ओके, तो ये रेडियस सेम क्यों हो गई, क्योंकि अगर अगर मान लीजिए कोई और एंगल होता, लेट से ये एंगल होता थीटा, तो कर्वेचर का रेडियस होता लेट से ये वाला कैपिटल आर, ओके, एंड ट्यूब का रेडियस होता लेट से स्मॉल आर, तो भाई ये थीटा था 90 माइनस थीटा हो जाता, ये हो जाता अगेन थीटा, तो हम लिख सकते थे आर कॉस थीटा इज इक्वल टू स्मॉल आर, तो आर इज इक्वल टू स्मॉल आर बाय कॉस थीटा, बट हमारा थीटा क्या है यहां पे जीरो, तो कॉस जीरो विल बी वन, सो कैपिटल आर इज इक्वल टू स्मॉल आर, दैट इज द रेडियस ऑफ द ट्यूब। ओके, तो एक बार हम वो सारी वैल्यूज इसमें डालेंगे एंड विल गेट द आंसर ऑफ एच, मुझे सब पता है इसके अंदर, पी नॉट पता है, आर पता है, सरफेस टेंशन पता है, डेंसिटी पता है, जी पता है, सब कुछ हमें दिया हुआ है, सिर्फ एच हमें निकालना है, तो इस तरीके से हम इसको कर सकते हैं, ये हमारा हाइट आ जाएगा जो हमें पूछा गया है। ठीक है, तो आई होप ये क्लियर है, आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। सो दिस इज द क्वेश्चन नंबर टू, देखिए क्या है क्वेश्चन नंबर टू, अ सिलेंड्रिकल ट्यूब विद इट्स बेस एज शोन इन द फिगर इज फिल्ड विद वॉटर, ठीक है, ये वॉटर से भरा हुआ है, इट इज मूविंग डाउन विद अ कॉन्स्टेंट एक्सेलरेशन ए अलॉन्ग फिक्स्ड इंक्लाइंड प्लेन विद एंगल थीटा 45 degree, ओके, तो ये अलॉन्ग द इंक्लाइन चल रहा है, एंगल दिया हुआ इंक्लाइन का 45 degree, ओके, P1 एंड P2 आर प्रेशर्स एट पॉइंट्स 1 and 2, यहां का प्रेशर P1 है, यहां का प्रेशर P2 है ना, रिस्पेक्टिवली लोकेटेड एट द बेस ऑफ द ट्यूब, लेट बीटा इज इक्वल टू P1 माइनस P2 डिवाइड बाय रो जी डी, वेयर रो इज द डेंसिटी ऑफ वाटर, डी इज द इनर डायमीटर ऑफ द ट्यूब, ओके, एंड जी इज द एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी, विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज और आर करेक्ट। चलिए सॉल्व करते हैं इसमें, तो भाई सबसे पहले अगर मैं किसी भी इसके अंदर एक इस ए को, क्योंकि अगर मैं सॉल्व करूंगा तो विद रिस्पेक्ट टू कंटेनर सॉल्व करूंगा, तो नीचे के तरफ अगर एक्सेलरेशन लग रहा है जी, तो एज पर सूडो आई कैन से ए लगेगा किसी पार्टिकल पे ऊपर के तरफ ऐसे, और ये एंगल क्या दिया हुआ है 45 degree, ठीक है, तो इसका एक कॉम्पोनेंट इधर आएगा दैट विल बी ए बाय रूट टू, एक कॉम्पोनेंट इधर आएगा दैट विल बी ए बाय रूट टू, दैट मीन्स अगर मैं नीचे ट्रेवल करूंगा तो मेरा जो प्रेशर बढ़ेगा दैट विल इंक्रीज विथ रो जी इफेक्टिव इन टू एच या फिर डेप्थ जो भी कहना चाहें, और इधर मैं अगर चलूंगा तो मेरा प्रेशर बढ़ेगा रो ए बाय रूट टू इन टू लेंथ, जो भी लेंथ मैं लेफ्ट में चलूंगा उससे मेरा प्रेशर इंक्रीज करेगा, ओके, और नीचे जाऊंगा तो ऐसे मेरा प्रेशर इंक्रीज करेगा, जी इफेक्टिव का वैल्यू क्या आएगा, सो जी इफेक्टिव विल बी गिवन एज जी माइनस ए बाय रूट टू, ओके, चलिए ठीक है भाई, इतना तो क्लियर हो गया अपने को। अब इसके अंदर लेट अस फाइंड आउट, क्या कर सकते हैं हम इसके अंदर, दे वॉन्ट अस टू फाइंड आउट रिलेशन बिटवीन P1 एंड P2, ओके, दैट्स वॉट इज आस्ट, सो P1 P2 के बीच में रिलेशन निकालना है, लेट से मैं यहां पे स्ट्रेट लाइन खींच लेता हूं और डायमीटर डी दिया हुआ है, तो ये हो गया डी, ओके, ये हो गया डी, तो ये एंगल 45 है, ये एंगल भी कितना होगा 45, तो ये भी कितना हो जाएगा डी हो जाएगा, ओके, इस पॉइंट को मार्क कर लेते हैं, लेट से कुछ पॉइंट है 3, ओके, सो अब रिलेशन लिख लेते हैं, 3 और 1 में रिलेशन लिख सकते हैं, 3 और 2 में रिलेशन लिख सकते हैं, ठीक है, एज यू कैन सी बाय द एक्सेलरेशन डायग्राम दैट नीचे जाऊंगा तो प्रेशर बढ़ेगा, लेफ्ट जाऊंगा तो प्रेशर बढ़ेगा, तो मैं लिख सकता हूं P2 माइनस P3, लेफ्ट जा रहा हूं मैं, तो व्हाट विल बी द प्रेशर, तो आई कैन राइट डेंसिटी इंटू ए बाय रूट टू इंटू डी, ओके, सिमिलरली इफ आई वॉन्ट टू राइट डाउन P1 माइनस P3 इट विल बी डेंसिटी इंटू
जी माइनस ए बाय रूट टू इंटू डी. ओके, सो फ्रॉम हेयर मैं क्या कर सकता हूं, मैं पी टू माइनस पी वन निकालना चाहता हूं, और आई थिंक नो पी वन माइनस पी टू निकालना चाहता हूं, तो पी वन माइनस पी टू कर देता हूं. दिस माइनस दिस, इफ आई डू पी वन माइनस पी टू, तो इट विल बी रो जी, सॉरी रो जी माइनस ए बाय रूट टू इंटू डी माइनस रो ए बाय रूट टू इंटू डी. ओके, सो नेक्स्ट पेज पे ले लेते हैं इसको. तो पी वन माइनस पी टू इज इक्वल टू रो डी ब्रैकेट में जी माइनस डी बाय रूट टू माइनस डी बाय रूट टू. तो पी माइनस पी वन माइनस पी टू इज इक्वल टू रो डी ब्रैकेट में दिस विल बी जी, सॉरी सॉरी रो डी ब्रैकेट में जी माइनस दिस विल बिकम रूट टू इंटू डी. ओके, सो इट इज विल बिकम ट्वाइस एंड देन रूट टू से कट के ये आ जाएगा एक्सप्रेशन. सो दिस इज वॉट आई एम गेटिंग. एंड इफ आई कंपेयर, यहां से जी कॉमन ले लेते हैं, इफ आई टेक जी कॉमन आउट ऑफ दिस देन पी वन माइनस पी टू इज इक्वल टू रो जी डी ब्रैकेट में वन माइनस रूट टू डी बाय जी एंड बीटा दैट इज पी वन माइनस पी टू डिवाइड बाय रो जी डी विल बी इक्वल टू वन माइनस रूट टू डी बाय जी. ओके, सो मुझे एक एक्सप्रेशन मिल गया बीटा का. अब मैं चेक करता हूं, तो एज पर गिवन कंडीशंस आई कैन चेक. ओके, सो अगर मैं बीटा को जीरो कर दूं तो वन माइनस रूट टू डी बाय जी विल बिकम जीरो एंड दिस विल मेक जी इज इक्वल टू रूट टू डी. ओके, लेट अस चेक. वन सेकेंड, आई थिंक ओके, माई बैड, मैंने एक गलती यहां कर दी है, गलती से डी लिख दिया, ये है ए, है ना, आई एम सॉरी, ये है ए. ठीक है, ठीक है भाई, तो ये है ए. तो फ्रॉम हेयर आई विल गेट दिस इज ए, दिस इज ए, ये हो गया ए और ये हो गया ए. तो जी इज इक्वल टू रूट टू टाइम्स ऑफ ए. ओके, सो आई थिंक फर्स्ट ऑप्शन इज करेक्ट. ओके, एंड और भी चेक कर सकते हैं आप, डाल लीजिए वैल्यू और बीटा का वैल्यू डाल के जी चेक कर लीजिए, इफ इट इज कमिंग, इफ इट इज सेटिस्फाइंग विल गेट द आंसर. ये रिलेशन आ चुका है बेसिकली, बीटा इज इक्वल टू वन माइनस रूट टू ए बाय जी. ओके, लेट मी जस्ट चेक, व्हेन आई टुक कॉमन मेरा यहां तक तो ए ही चल रहा था, बाय मिस्टेक आई रोट इट डी, तो ये हो गया ए बाय रूट टू, ए बाय रूट टू, फाइन एंड एवरीथिंग गोस क्लियरली. तो ये आ गया बीटा का रिलेशन. आप बीटा में वैल्यू डालेंगे जो भी दिया हुआ है यहां पे एंड यू विल गेट द रिजल्ट. ओके, सो आई होप दिस इज करेक्ट एंड क्लियर टू यू. आगे बढ़ते हैं. नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन, व्हेन वाटर इज फिल्ड केयरफुली इन अ ग्लास वन कैन फिल इट टू अ हाइट एच अबव द रिम ऑफ द ग्लास. मतलब जहां तक ये रिम है इससे एच ऊपर तक भर सकते हो. ठीक है, ड्यू टू सरफेस टेंशन ऑफ वाटर टू कैलकुलेट एच जस्ट बिफोर वाटर स्टार्ट्स फ्लोइंग मॉडल द शेप ऑफ द वाटर अबव द रिम एज अ डिस्क ऑफ थिकनेस एच हैविंग सेमी सर्कुलर एजेस एज शोन इन द स्कीमेटिक डायग्राम व्हाटएवर. व्हेन द प्रेशर ऑफ वाटर एट द बॉटम ऑफ द डिस्क एक्सीड्स व्हाट कैन बी विदस्टूड ड्यू टू द सरफेस टेंशन द वाटर सरफेस ब्रेक्स नियर द रिम एंड वाटर स्टार्ट्स फ्लोइंग फ्रॉम देयर. इफ डेंसिटी ऑफ वाटर सरफेस टेंशन एंड एक्सेलरेशन दिया हुआ है सारा, तो हमें ये एच बताना है. ठीक है, तो वी नीड टू सॉल्व फॉर दिस एच. नाउ फर्स्ट ऑफ ऑल लेट मी टेल यू, जब आप एक बबल को देखते हो है ना, और इसके अंदर प्रेशर इनसाइड प्रेशर आउटसाइड लेके आप रिलेशन लिखते हो पी इनसाइड माइनस पी आउटसाइड इज इक्वल टू टू, नॉट बबल आई शुड से दिस इज ड्रॉप. ओके, ड्रॉप के लिए कर रहा हूं मैं, तो पी इनसाइड माइनस पी आउटसाइड इज इक्वल टू टू टी बाय आर. ओके, दिस इज वैलिड फॉर ड्रॉप,
नॉट ऑल द कर्वेचर्स। अब यहां पे आपको एक कर्वेचर दिख रहा है, तो क्या मैं ये लगा सकता हूं कि बाहर और अंदर के प्रेशर में ये रिलेशन होगा? सो मैं नहीं लगा सकता, ठीक है। इसको इमेजिन करने के लिए आप सोचिए कि अब आपके पास एक स्फीयर नहीं है, बिकॉज जब स्फीयर होता था तो इसकी एफबीडी कैसे बनती थी? एक हमने स्फीयर को कट किया रहता था और इधर से टी इंटू टू पाई आर लेते थे, इधर से पी इनसाइड इंटू पाई आर स्क्वायर लेते थे अंदर की तरफ, एंड बाहर से फोर्स लेते थे पी आउटसाइड इंटू पाई आर स्क्वायर द प्रोजेक्शन एरिया। इनको इक्वेट करने पे ये रिलेशन आता था। सिमिलरली अब जब ऐसा कुछ अरेंजमेंट आया है तो इट इज लाइक कि एक कर्वेचर है और इसके पास कुछ लेंथ है, ठीक है। यहां पे वो लेंथ कितनी हो सकती है? सरकमफेरेंस हो सकती है, ठीक है। इसके पास कुछ लेंथ है। नाउ अगर मैं इसका क्रॉस सेक्शन करूं तो अंदर लेट से प्रेशर है पी इनसाइड, बाहर प्रेशर है पी आउटसाइड, लेट से। तो इफ आई टेक एनी क्रॉस सेक्शन, तो वो क्रॉस सेक्शन कैसा आएगा? ऐसा आएगा, और इधर सरफेस टेंशन लगेगी डिपेंडिंग अपॉन द लेंथ, कितना लंबा है ये, ठीक है। तो ये हो जाएगा सरफेस टेंशन इंटू लेंथ एल, सरफेस टेंशन इंटू लेंथ एल, है ना। एंड अंदर है पी इनसाइड, दैट विल बी मल्टीप्लाइड टू व्हाट? द प्रोजेक्शन एरिया। सो इफ दिस रेडियस इज आर, इफ दिस रेडियस इज आर, द प्रोजेक्शन एरिया विल बी व्हाट? इट विल बी अ रेक्टेंगल, एक ये बन जाएगा 2R, और अंदर की तरफ डेप्थ कितनी है? L, ओके। तो प्रोजेक्शन एरिया क्या आ जाएगा? 2R इंटू एल, ओके। सो हम लोग लिख सकते हैं, देखिएगा ध्यान से, T इंटू टू एल विल बी द नेट फोर्स टूवर्ड्स द लेफ्ट। बाहर से प्रोजेक्शन एरिया जो मैं ले पा रहा हूं, विच आई कैन इमेजिन, सो ये एरिया कितना हो जाएगा? अंदर की तरफ लेंथ है, L, L, और ये हो जाएगा आपका 2R, ओके, 2R। तो बाहर से फोर्स कितना लगेगा इस पे? बाहर से फोर्स लगेगा P नॉट इंटू L इंटू 2R, ओके। अंदर से फोर्स कितना लगेगा? सेम P इनसाइड इंटू L इंटू 2R, बिकॉज प्रोजेक्शन विल बी सेम, ओके। तो हम क्या लिख सकते हैं? पी आई इंटू एल इंटू टू आर इज इक्वल टू पी नॉट इंटू एल इंटू टू आर प्लस टी इंटू टू एल, ओके। सो पी आई माइनस पी नॉट इज इक्वल टू टी बाय आर, ओके। टू एल एंड टू एल गॉट कैंसल्ड। तो ये आ गया रिलेशन। अब हम ये रिलेशन यूज कर सकते हैं, ठीक है, बिकॉज ये प्रॉपर एक स्फीयर नहीं था, ये बस एक बल्ज था। बल्ज को हमने ट्रीट कर लिया, लेंथ जो भी होगी। अब ये लेंथ चाहे स्ट्रेट हो चाहे कर्वेचर हो, उससे फर्क नहीं पड़ता, ठीक है। सो दिस इज द रिलेशन। नाउ अब यहां से टॉप से यहां तक नीचे आने में, ठीक है, अगर ये टोटल हाइट एच है तो यहां प्रेशर क्या लिखा जाएगा? कॉर्नर पे प्रेशर लिखा जाएगा रो जी एच, है ना, दिस प्रेशर। और लेट से इफ आई एम काउंटिंग एटमोस्फेरिक, इट विल बी पी नॉट प्लस रो जी एच, दैट शुड बी इक्वल टू, यहां पे अगर पी नॉट है बाहर तो अंदर कितना प्रेशर लिखा जाएगा? आप देख सकते हैं, इट विल बी पी नॉट प्लस टी बाय आर। तो पी नॉट कैंसिल एंड रो जी एच इज इक्वल टू टी बाय आर। नाउ व्हाट विल बी द रेडियस? एज यू कैन सी द डायमीटर इज एच, सो रेडियस विल बी एच बाय 2, ओके। तो यहां डाल देंगे h by 2, तो rho g h is equal to t by h by 2, this implies rho g h square by 2 is equal to t, and from here h is equal to under root of 2t by rho g, that's it। तो ये हम values put कर देंगे तो हमें हमारी height मिल जाएगी जो कि पूछी गई थी, ठीक है। चलिए, now this is the fourth question। क्या बोल रहा है? अ ग्लास कैपिलरी ट्यूब इज ऑफ शेप ऑफ ट्रंकेटेड कोन विद एन एपेक्स एंगल अल्फा सो दैट इट्स टू एंड्स हैव क्रॉस सेक्शंस ऑफ डिफरेंट रेडियाई व्हेन डिप्ड इन वाटर वर्टिकली वाटर राइजेस इन इट टू हाइट एच वेयर द रेडियाई ऑफ इट्स क्रॉस सेक्शन इज बी, ओके। यहां पे बी है रेडियस। इफ द सरफेस टेंशन ऑफ वाटर इज एस, इट्स डेंसिटी इज रो
इट्स कॉन्टैक्ट एंगल इज गिवन एज थीटा, व्हाट विल बी द हाइट एच, हमें हाइट एच बतानी है, ठीक है। तो चलिए इसको सॉल्व करते हैं। तो इस कोन को थोड़ा सा हम देखते हैं जहां से हमें रेडियस बी दिया हुआ है, ठीक है। तो लेट्स से इसके अंदर ऐसे लिक्विड है और ये एंगल हमें दिया हुआ है भाई कितना, थीटा दिया हुआ है। दिस एंगल इज गिवन टू अस एज थीटा, एंगल ऑफ कॉन्टैक्ट, ठीक है। एंगल ऑफ कॉन्टैक्ट हमें कितना दिया हुआ है, थीटा दिया हुआ है, ठीक है। चलिए नाउ केयरफुली सी हियर, ये सेंटर लाइन है, ये आपको दिया है लेट्स से स्मॉल आर, जो कि इस केस में कितना है, रेडियस कितना है, बी, ठीक है। नाउ मुझे तो कर्वेचर के रेडियस में इंटरेस्ट है, आई नीड दिस रेडियस, दिस इज आर, ओके, आई नीड दिस रेडियस, दैट इज आर। नाउ अगर ये जाके सीधे कहीं मिलेगा और ये भी जाके मिलेंगे और ये एपेक्स एंगल अगर अल्फा दिया हुआ है तो हाफ ऑफ द एपेक्स एंगल इज वॉट, अल्फा बाय टू, ठीक है। यहां पे एपेक्स एंगल दिया है अल्फा, तो हाफ ऑफ द एपेक्स एंगल विल बी वॉट, अल्फा बाय टू। तो यहां से अगर मैं वर्टिकल लाइन खींचूं तो दिस विल बी वॉट, अल्फा बाय टू, है ना, करस्पॉन्ड कहा या ऑल्टरनेट इंटीरियर एंगल्स, ठीक है। नाउ ये एंगल मिल जाएगा 90, बिकॉज दिस कंप्लीटली मेक्स 90, है ना। एक मैं दिखा देता हूं आपको, ये पूरा 90 बनेगा, तो ये होगा 90 माइनस ऑल दिस, सो दिस दिस इज द टेंजेंशियल डायरेक्शन, सो दिस विल बी वॉट, दिस एंगल लेट्स आई एम कॉलिंग इट एज लेट्स से फाइ, सो गाइस फाइ विल बी थीटा प्लस अल्फा बाय टू, ओके, एंड आर कॉस फाइ is equal to b, so r is equal to b by cos phi, that is cos of theta plus alpha by 2, ye mera r aa gaya, okay। now agar yahan pressure p naught hai to just inside pressure kitna hoga, so p naught minus p inside, this is p inside, let's say that will be equal to 2 t by r, okay। now so p inside will be P naught minus 2T, यहां पे surface tension S दिया हुआ है, तो S by R, okay, so P inside plus rho GH, देखिएगा यहां पे अगर मुझे just अंदर मिल गया है pressure P inside, तो यहां H करेंगे तो यहां क्या मिल जाएगा, just outside here we have P naught, just inside here will be what, at the same level P naught only, so P inside plus rho GH must be equal to P naught, okay। So we can also write P inside minus P or P naught minus P inside is equal to rho GH. So directly what I can do, sorry, instead of doing this step, I can write this is nothing but rho GH is equal to 2S by what is R? R is B by cos theta. So cos थीटा प्लस अल्फा बाय टू, ओके। सो हमें हाइट चाहिए थी h, h विल बी 2s बाय रो जी बी कॉस ऑफ थीटा प्लस अल्फा बाय टू। लेट अस चेक द आंसर, सो ठीक है, 2s रो बी जी, रो बी जी कॉस थीटा प्लस अल्फा बाय टू, ठीक है। सो आगे आंसर डी, ओके, आई होप ये क्लियर है। Now moving to the last answer, it's basically a paragraph, एक question यहां है, एक और question है इसका, दो question में है ये, तो इसको फटाफट solve करते हैं guys। Now see what they are saying, a spray gun is shown in the figure where a piston pushes air, ये एक piston है जो हवा को फेंक रही है, यहां पे हवा है, this is air, और piston हवा को फेंक रही है, a thin tube of uniform cross section is connected to the nozzle, the other end of the tube is in a small liquid container containing as the piston pushes air through the nozzle, the liquid form from the container rises into the nozzle and is sprayed out, jaise hi hawa yahan chalti hai, ab jante hain bernoulli ka principle, jab hawa ki speed tez ho jayegi to wahan pressure low ho jayega to niche se liquid upar ki taraf pull ho jayega aur jaise hi liquid contact mein aayega air ke wo spray ho jayega, right, ye spray ka concept hai। For the spray gun shown,
द रेडियाई ऑफ पिस्टन एंड नोजल, हमें भाई साहब ये पिस्टन का रेडियस दिया हुआ है 20 mm एंड ये नोजल का रेडियस दिया हुआ है 1 mm, ठीक है, एंड दे आर आस्किंग द अपर एंड ऑफ कंटेनर इज ओपन टू द एटमोसफेयर, ओके, तो ये वाला जो एयर कॉम्पोनेंट आप देख रहे हैं दैट इज ओपन टू एयर, फाइन, ओपन टू एटमोसफेयर, सॉरी. नाउ इफ द पिस्टन इज पुश्ड एट स्पीड, हमें पिस्टन की स्पीड दे दी गई है, एयर कम्स आउट ऑफ द नोजल विथ स्पीड ऑफ, मतलब इसकी स्पीड पता है, इसकी स्पीड बताना है यहां पे, तो क्या कर सकते हैं, सिंपल प्रिंसिपल ऑफ कॉन्टिन्यूटी है ना, A1 V1 इज इक्वल टू A2 V2, ओके, तो भाई इसका एरिया लिख सकते हैं हम लोग पाई 20 mm का स्क्वायर इंटू 5, पिस्टन की स्पीड है 5 mm पर सेकेंड इज इक्वल टू पाई 0.1 1 mm का स्क्वायर इंटू वी, ओके, सो व्हेन आई सॉल्व दिस पाई पाई गेट्स कैंसल्ड, 20 mm डिवाइड बाय 1 mm विल बी 20, 20 का स्क्वायर विल बी 400, 400 इंटू 5 विल बी व्हाट 2000, तो v इज इक्वल टू 2000 mm पर सेकेंड, ओके, सो दैट विल बी 2 meter per second, that will be the answer. So answer aega 2 meter per second. A1 V1 is equal to A2 V2. Okay. So I hope this is clear. Now, if the density of air is rho A and that of the liquid is rho L, then for a given piston speed rate, the rate, what is rate? Volume per unit time at which liquid is sprayed will be proportional to. Okay. तो हम क्या लिख सकते हैं गाइस, हम यहां और यहां बर्नौली लगा देते हैं लिक्विड ऑन एयर में, ठीक है ना, तो हम लिख सकते हैं हाफ रो एयर वी एयर स्क्वायर इज इक्वल टू हाफ रो लिक्विड इनटू वी लिक्विड स्क्वायर प्लस रो लिक्विड जी एच, ओके, व्हाट एच आई एम टॉकिंग अबाउट, this height, this small height that we have, okay, now at the same level we can apply Bernoulli, theek hai, and open to atmosphere hai, to pressure bhi dono jagah pe kya hoga, p naught hi hoga, to chaho to dono side p naught add kar sakte ho chahe chhod sakte ho, theek hai, now if this is what we have, to yahan pe ye velocity ke terms bahut zyada hote hain, this height is not very like large, it is very very close, okay, the container is very very close to this tube or this you can say nozzle, so we can ignore this energy and we can write VL square, everything is constant, is equal to 2 and 2 cancel, rho A by rho L into V air or V piston whatsoever square, okay, so VL is you can say proportional to under root of rho A by rho L, okay, and if VL is proportional to this, so what they are asking, rate is nothing but area of nozzle into volume of liquid, that is the rate, and area of nozzle is constant, so whatever is the proportionality of VL, same will be the proportionality of the rate, so if VL is proportional to under root rho A by rho L, so that will be the answer, so it will be rho A by rho L A, so this is the answer, this is the you can say proportionality of rate with the density of air and the liquid, so with this we have completed all our 5 questions of the day, so I hope you enjoyed it, thank you, have a nice day.